ये हमने डाला कड़ी पत्ता और घी के ऊपर कड़ी पत्ता और खड़ा मसाला और उसके बाद में डालेगा नारियल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी हो रहा है सुबह को 9:30 और मैं जस्ट अभी उठा हूँ क्योंकि आज है पूर्णिमा, इसलिए सबका उपवास है, मम्मी जी का, भाभी का। बस आज घर में खाना नहीं बनेगा, जैसे कि राइस वगैरह नहीं बनेगा और आज सिर्फ बनेगा खिचड़ी, इसलिए भाभी बनाएगा खिचड़ी और मैं तो अभी बना के खा रहा हूँ ये आटे का पीठा। चलिए ये आटे का पीठा मैं ब्रेकफास्ट में खा लेता हूँ और बाद में खाएंगे खिचड़ी। आज दिन भर खिचड़ी खा के रहेंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ। गेलू आ चुका है आंगनबाड़ी से, खा के आया। बताओ आंगनबाड़ी को खालू आलू अंडा। गेलू आंगनबाड़ी से आलू और अंडा करी और राइस खा के आया है। मैं तो खा रहा हूँ ये आटे का पिठा। खाएगा नहीं खाएगा? ठीक है, चलिए आज खाएंगे खिचड़ी। बहुत दिन बाद हमारे घर में बन रही है खिचड़ी, खाएंगे आज मस्त। भाभी बना रहा है खिचड़ी और आज सब खाएंगे अब खिचड़ी। आज पूर्णिमा है इसलिए आज घर में भात नहीं बनी और खिचड़ी बनाएंगे, सारे लोग खाएंगे। ये भाभी ने घी डाल दिया पहले। ये जो डाला ये देसी घी है, ये हमारा गाय का घी। ये भाभी ने डाला कड़ी पत्ता और घी के ऊपर कड़ी पत्ता और खड़ा मसाला और उसके बाद में डालेगा नारियल। देखिए नारियल सारे चीज मैंने काट के रख लिया था और भाभी बहुत बढ़िया खिचड़ी बनाता है। ये डाल रही है अदरक। आज बनेगा खिचड़ी भोग क्योंकि आज पूर्णिमा है और सब लोगों का तो घर में आज भात नहीं बनी। रामदाल रहा नमक और हल्दी। देखिए कितना सुंदर कलर आई है। बस इसके ऊपर पानी डाला जाएगा और बस हमारा खिचड़ी बनने के लिए बैठ चुकी है। और आप लोगों को मैं बीच बीच में दिखाता रहूँगा और कैसे बनी है और कितना बनी है, खाने तक मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। भाभी कर रहे सारे काम। साथ में पियेंगे चाय, तो इसलिए अभी चाय बना रही है। बाबूजी पियेंगे चाय और मम्मी जी। देखिए हमारा खिचड़ी बन रहा है। देखिए ये हमारा रहा। देखिए हमारा खिचड़ी बन रही है। और 15-20 मिनट लगेगा। फाइनली हमारा खिचड़ी बन के रेडी हो चुकी है। ये देखिए हमारा खिचड़ी। ये रहा हमारा देसी खिचड़ी भोग। खाएंगे सारे लोग। फिलहाल हमारा खिचड़ी बन के रेडी हो चुकी है। चलिए खाते हैं, सारे लोग मिल के खाएंगे। चलिए ये देखिए सारे खिचड़ी बन के रेडी। यहाँ पे बनाए थे। बस हमारा खिचड़ी को एकदम बन के रेडी हो चुकी है। अब खाएंगे सारे लोग मिल के। चलिए चलते हैं। बस खिचड़ी बन चुकी है। बस सारा लोग बैठ के खा रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर बनी है। तो लगता है मस्त बनिए यहाँ पे खा रहा है गेलू, ये देखिए गेलू कैसे मजा से खा रहा है, साथ में खीरी। जाती है इता है इता फिलहाल आज का ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार रेसिपी में मज़ेदार वीडियो में। चलिए आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके देना और अपना मत भूलना। फिर मिलते हैं।